एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का हमारा टॉपिक है लेशमानिया एंड सॉरी इट्स लेसन नंबर 3। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है, ठीक। दीज आर द रेफरेंसेस एंड सबसे पहले हमें डील करना है सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ लेशमानिया। तो इसका किंगडम है आपका एनिमीडिया, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा, क्लास 2 मैस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, सेम जो ट्रिपैनोसोमा की थी, राइट। जीनस लेशमानिया एंड स्पीसीज डोनोविनी। इसके अलावा भी इसके और सब सॉरी इसके स्पीशीज हैं, राइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं लेशमानिया के बारे में थोड़ा सा। लेशमानिया आर डायमॉर्फिक इंट्रासेल्युलर प्रोटोजोन पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय फेलोबोटमीन सैंड फ्लाइज। ये क्या कह रहा है कि लेशमानिया डायमॉर्फिक है। डायमॉर्फिक मतलब उसकी दो मॉर्फोलॉजिकल स्टेज है, दो अलग अलग मॉर्फोलॉजीज में पाया जाता है। इंट्रा सेल्युलर मीन्स सेल्स के अंदर, ओके। प्रोटोजोन पैरासाइट है वो एक बॉडी में रहने वाला, किसकी, वर्टिब्रेट्स। तो ये सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि लेशमानिया एक ऐसा पैरासाइट्स है जो वर्टिब्रेट्स की बॉडी में क्या करता है, रहता है, ठीक। और उसकी दो आपकी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, और वो किसके थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है, फेलोबोटमीन सैंड फ्लाइज के थ्रू। तो वो उसका वेक्टर की तरह वर्क करेगी। ये भी डाइजेनेटिक है बिकॉज उसे अपनी लाइफ साइकिल से पूरी करने के लिए कितना ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है, टू। एक आपका वर्टिब्रेट है और दूसरा आपका इनवर्टिब्रेट है। दे आर द पार्ट ऑफ काइनेटोप्लास्टिडा फैमिली विच ऑल्सो इंक्लूड ट्रिपैनोसोम्स। सेम वही, राइट। ट्रिपैनोसोम्स की फैमिली जो आपने उसमें ऑर्डर में पढ़ा था, सेम वही काइनेटोप्लास्टिडा है इसमें। मीन्स इसमें काइनेटोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। लेशमानिया पैरासाइट्स एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेल्फ मॉर्फोलॉजीज एंड अ नंबर ऑफ सेल टाइप। लेशमानिया का जो पैरासाइट्स है उसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, मींस उसकी मॉर्फोलॉजिकल वैरायटीज हैं और नंबर ऑफ सेल टाइप्स, उसके टाइप्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। लेशमानिया हैव अ डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मेमेलियन होस्ट एंड इंसेक्ट एज ए वैक्टर। ये हम पहले लाइन में डील कर चुके हैं। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, इसीलिए उसे यहाँ पर डायमॉर्फिक बोला था। प्रोमैस्टिगोट मॉर्फोलॉजी जो कि सैंड फ्लाई में पाई जाती है, और ए मैस्टिगोट मॉर्फोलॉजी जो मैमेलियन होस्ट में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मैमेलियन होस्ट में आपका ए मैस्टिगोट स्टेज चलती है उसकी, और आपका जो सैंड फ्लाई है उसमें आपकी प्रोमैस्टिगोट स्टेज। लेशमानिया आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन होस्ट इन द फ्लैजिलेट प्रोमैस्टिगोटिस फ्रॉम वेयर दे आर टेकन अप बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर फेगोसाइटोसिस सेल्स ऑफ रेटिक्लो इंडोथीलियल सिस्टम। दे ट्रांसफॉर्म इन टू द इंट्रासेल्यूलर फॉर्म दैट इज ए मैस्टिगोटिस स्टेज। देखिए, लेशमानिया जिस स्टेज में ह्यूमन बींग के अंदर या ह्यूमन होस्ट के अंदर एंटर करता है वो होती है उसकी फ्लैजिलेटेड प्रोमैस्टिगोटिस स्टेज, क्योंकि ये जो प्रोमैस्टिगोट स्टेज है वो आपकी सेंट फ्लाई के अंदर है, और सेंट फ्लाई के अंदर जो स्टेज है वही स्टेज तो हमारे अंदर एंटर करेगी। तो हमारे अंदर जो एंटर हो रही है वो है प्रोमैस्टिगोट स्टेज, लेकिन हमारे अंदर ये प्रोमैस्टिगोट स्टेज किस में चेंज हो जाएगी, ए मैस्टिगोट स्टेज में। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोमैस्टिगोट जो स्टेज होती है वो किसके द्वारा ले ली जाती है, माइक्रोफेजस के द्वारा जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो चेंज हो जाती है आपकी एमैस्टिगोट स्टेज में, ठीक। लेशमानिया इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लेशमानिया इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर यूनिसेलुलर काइनेटोप्लास्टिड डाइमॉर्फिक प्रोटोजोन बिटवीन द प्रोमैस्टिगोट इन इंसेक्ट वेक्टर एंड एमैस्टिगोट इन वर्टिब्रेट होस्ट। देखिए, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेट मतलब वो जो कंडीशंस हैं उसके लिए वो ऑब्लिगेटरी है, बिना उसके वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी आप सबको पता है यूनिसेलुलर है और काइनेटोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट है, डायमॉर्फिक है, ठीक। ए बाइट ऑफ फेलोबोटमाइन सैंड फ्लाई स्प्रेड द पैरासाइट टू ए मैमल्स। किस किस को फ्लाई ये इन्फेक्ट कर सकती है, जो सैंड फ्लाई है, मैमल्स को, मैमल्स में आपकी ह्यूमंस आ सकते हैं, और वो इसके अलावा वो किसके थ्रू शेयर हो, मतलब ट्रांसमिट हो सकती है आपकी, नीडल्स शेयर करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या इननेट ट्रांसमिशन। इननेट मीन्स मेंटरनल, जैसे इननेट क्या होता है, जो आपको इनहेरिट करा हुआ है, मतलब आपने जो इनहेरिट करा है, ठीक है। जैसे अगर मदर में है तो मदर के ब्लड से वो फीटल ब्लड में जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ लेशमानिया। हमने पढ़ा था डाइमॉर्फिक है, मींस वो दो स्टेज में पाया जाता है, ए मैस्टिगोट स्टेज और प्रोमैस्टिगोट। ए मैस्टिगोट स्टेज किस में थी हमारी, ह्यूमन होस्ट में, राइट, ह्यूमन में, और प्रोमैस्टिगोट स्टेज थी आपकी सेंट फ्लाई में। सबसे पहले हम डील करेंगे ए मैस्टिगोट स्टेज को। दिस स्टेज अगर इंट्रासेल्युलरली इन द ब्लड सेल्स और रेटिक्यूलो इंडोथीलियल सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट,
इंट्रासेलुलर आपके ब्लड सेल्स में पाया जाएगा ये स्टेज। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, राउंडेड एंड ओवल इन शेप। माइक्रोस्कोपिक है, राउंडेड और ओवल है शेप में, और इसका कुछ लेंथ 2 to 4 माइक्रोमीटर है लेंथ में। देयर इज नो फ्री फ्लैजलम, इसमें कोई फ्री फ्लैजलम नहीं होता है, क्योंकि ए मैस्टिगोटिस स्टेज आप देखेंगे तो इस तरीके से होती है, राउंड शेप, डू नॉट हैव एनी फ्लैजलम। ओके, इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस फिब्रिल लाइक एंड लाइज इम्बेडेड। इतना छोटा होता है जो कि फ्लैजलम की वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका एम्बेडेड होता है। ए फ्लैजलस स्टेज ऑफ ए मैस्टिगोट इज नोन एज एल डी बॉडीज। ए मैस्टिगोट की एक फॉर्म होती है जिसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, जिसे हम एल डी बॉडीज कहते हैं। इसमें जो ए मैस्टिगोट स्टेज है उसमें न्यूक्लियस सेंट्रल पोजिशन पे होगा। सेल मेम्ब्रेन इज डेलिकेट एंड कैन बी डेमोस्ट्रेटेड ओनली इन फ्रेश स्पेसिमेन। डेलिकेट होती है और जो सेल मेम्ब्रेन है आप सिर्फ तभी देख सकते हो जब आपने एक फ्रेश स्पेसिमेन लिया, उसी में से आपको विजिबल हो सकती है। ठीक है, काइनेटोप्लास्ट इज रॉड शेप्ड और डॉट लाइक लाइज इन एट द राइट एंगल ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के राइट एंगल में आपका काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट दिस इज। ओके, द एक्सोनीम इज डेलिकेट फिलामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द काइनेटोप्लास्ट टू द मार्जिन ऑफ द बॉडी। एक्सोनीम क्या है, एक डेलिकेट फिलामेंट है जो काइनेटोप्लास्ट से निकल रहा है। इट रिप्रेजेंट द फुट ऑफ फ्लैजलम। क्या एक्सोनीम ये रिप्रेजेंट करता है फुट ऑफ द फ्लैजलम। ए मैस्टिगोट डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू ए मैस्टिगोट स्टेज का डिविजन होता है। ये है आपकी ए मैस्टिगोट स्टेज। ये देखिए इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के राइट एंगल में आपका दिस इस तरीके से, ये इसके आपका राइट एंगल में समथिंग इज प्रेजेंट होती है काइनेटोप्लास्ट। बेसल बॉडी से आपका एक्सोनीम का फॉर्मेशन होगा और एक्सोनीम आपका फ्लैजलम का फूट जैसा होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है आपकी प्रोमैस्टिगोटिसिस, जिसे लैप्टोमोनेट भी बोलते हैं हम। इट इज़ फाउंड इन द मिड गट ऑफ इनवर्टिब्रेट होस्ट। ए मैस्टिगोटिस स्टेज आपकी ह्यूमन बींग में, अगेन ह्यूमन होस्ट में, और आपकी प्रोमैस्टिगोट स्टेज पाई जाती है सैंड फ्लाई में। इट इज़ एलोंगेटेड स्लेंडर एंड स्पिंडल शेप। देखिए एलोंगेटेड है, स्लेंडर है एंड स्पिंडल शेप है, राइट। ए फ्लैजलम इज लॉन्ग एंड फ्री एंड अराइजेज फ्रॉम द माइन्यूट बेसल बॉडी और ब्लेफरोब्लास्ट सिचुएटेड नियर द इंटीरियर एंड। दिस इज इंटीरियर एंड, दिस इज पोस्टीरियर एंड। इंटीरियर एंड पे एक बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे ब्लेफरोब्लास्ट भी कहते हैं। यहाँ से एक्सोनीम बनेगा, ये तो इसमें भी हो रहा था, राइट। बट इस यहाँ से फ्लैजलम भी एक्सटेंड करता है और फ्री फ्लैजलम होता है। इसके पास कैसा फ्लैजलम है, फ्री फ्लैजलम है। द फ्लैजलम डज नॉट कर्व अराउंड द बॉडी। अब ये जो फ्लैजलम है ये बॉडी के अराउंड इस तरह से कर्व नहीं है। अगर कर्व होता तो यहाँ पे अंडियोलेटिंग मेम्ब्रेन होती, बट यहाँ पे क्योंकि फ्लैजलम इससे कर्व नहीं है, बॉडी में फोल्डेड नहीं है, तो यहाँ पे कोई अंडियोलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियस इसका सेंट्रल प्लेस्ड होता है। काइनेटोप्लास्ट लाइज ट्रांसवर्सली नियर द इंटीरियर एंड। ये इसके कहाँ पे है, इंटीरियर एंड की टूवर्ड्स है। अवेक्यूल इज प्रेजेंट नियर द रूट ऑफ फ्लैजलम। फ्लैजलम के रूट के यहाँ पे कहीं पे आपका अवेक्यूल प्रेजेंट होता है और प्रोमैस्टिगोट भी आपके बाइनरी फिशन के थ्रू मल्टीप्लाई करती है। नेक्स्ट है इसकी लाइफ साइकिल। क्योंकि डाइजेनेटिक है तो दो होस्ट में इसकी, दो ऑर्गेनिज्म में, एक इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट में इसका लाइफ साइकिल पूरा होगा। द लाइफ साइकिल ऑफ लेशमेनियन पैरासाइट आर क्वाइट सिमिलर, वेयर एज जितनी भी लाइफ साइकिल, जितने भी लेशमेनियन पैरासाइट हैं उसके जितने भी जीनस के हैं वो, जितनी भी स्पीशीज़ के, डिफरेंट स्पीशीज़ सबका लाइफ साइकिल सेम होता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि वो किस टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। लेशमेनियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फेलोबोटमाइन सेंडफ्लाई। सेंडफ्लाई के काटने से लेशमेनियसिस होती है। द सेंडफ्लाई इंजेक्ट द इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, प्रोमैस्टिगोट। क्योंकि सेंडफ्लाई के अंदर तो प्रोमैस्टिगोट स्टेज है और हमने देखा था वही स्टेज वो हमारे अंदर भी डालती है। फ्रॉम देयर प्रोबोसिस, उनके एक स्ट्रक्चर होता है माउथ पे, ड्यूरिंग ब्लड मील प्रोमैस्टिगोट दैट रीच द पंक्चर वाउंड आर फैगोसाइट्स बाय द मैक्रोफेजेस एंड अदर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स। अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे सेंट फ्लाई ने यहाँ पे इस पोर्शन पे काटा, इस पोर्शन पे उसने कौन सी स्टेज डाली आपकी, प्रोमैस्टिगोट स्टेज डाली। यहाँ पे माइक्रो, जो हमारे ब्लड में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगी वो उसको क्या कर लेंगी, फैगोसाइटोसिस कर लेंगी, उसको इनगल्फ कर लेंगी। प्रोमैस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इन दीज सेल्स। अब वो कितने चालाक है, देखिए उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। प्रोमैस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इन दीज सेल्स
इनटू द टिश्यू स्टेज ऑफ पैरासाइट, कौन से उसमें चेंज हो जाती हैं, एमास्टिगोट स्टेज में, जहाँ पे विच मल्टीप्लाई बाय सिंपल डिवीजन, सिंपल डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करती हैं और बाकी जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनको भी क्या करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। जनरली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि मैक्रोफेजेस जो एक्स्ट्रा बॉडीज होती है, फॉरेन बॉडीज होती है, उनको खा लेता है, ठीक है। बट ये क्या कर रही है, उन्हीं के अंदर जाके क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। पैरासाइट होस्ट एंड अदर वैक्टर अदर फैक्टर्स अफेक्ट वेदर द इन्फेक्शन बिकम सिम्टोमेटिक और वेदर क्यूटेनियस और विसरल लेशमैनियसिस रिजल्ट। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप से आपके, मतलब किस कौन सा आपका लेशमैनियसिस होगा, ये क्यूटेनियस होगा या विस्ट्रल होगा। डिफरेंट टाइप के लेशमैनियसिस होते हैं और ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पैरासाइट कौन है, होस्ट कौन है, या फिर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये जो ये सब चीज़ें, ठीक है। सेंट फ्लाइज बिकम इन्फेक्टेड बाई इंजेस्टिंग इन्फेक्टेड सेल ड्यूरिंग ब्लड मील। और सेंट फ्लाई कैसे इन्फेक्टेड होती है, जब वो इन्फेक्टेड मीन्स आपको इन्फेक्टेड स्टेट सेल्स को क्या कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। इन सेल्फ फ्लाई ए मैस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इंटू प्रोमैस्टिगोट। ओके, सिंपल सी बात हमने यहाँ पे देखी, ये सेंट फ्लाई है, ये ह्यूमन है। सेंट फ्लाई से ह्यूमन में आपकी प्रोमैस्टिगोट स्टेज जाती है और ये प्रोमैस्टिगोट स्टेज ह्यूमन बींग के अंदर ए मैस्टिगोट स्टेज में चेंज हो जाती है। ये यही ए मैस्टिगोट स्टेज सेंट फ्लाई के अंदर जाती है जो कि चेंज हो जाती है प्रोमैस्टिगोट में। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है और यही पूरा खेल है। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जब सेंट फ्लाई इन्फेक्टिव स्टेज है प्रोमैस्टिगोट स्टेज, तो फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके वो ए मैस्टिगोट स्टेज में क्यों चेंज हो जा रही है, क्यों वो प्रोमैस्टिगोट स्टेज में ही नहीं रह रही है। तो आंसर इज हेयर द वाई प्रोमैस्टिगोट स्टेज चेंज, दिस इज द क्वेश्चन, वाई प्रोमैस्टिगोट स्टेज चेंज इनटू ए मैस्टिगोट स्टेज इनसाइड ह्यूमंस। द आंसर इज द चेंज फ्रॉम प्रोमैस्टिगोट टू ए मैस्टिगोट हेल्प अवॉइड द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। प्रोमैस्टिगोट से ए मैस्टिगोट में चेंज होने की वजह से वो इम्यून सिस्टम को डॉच कर पाती हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म सरफेस मॉलिक्यूल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैक्रोफेज अटैचमेंट एंड इन्वेडिंग द इम्यून रिस्पॉन्सेज। ये क्या करती हैं, आपका अपना शेप चेंज कर लेंगी तो मेम्ब्रेन वगैरह, इनके जो मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन पे जो मैक्रोफेजेस की मेम्ब्रेन्स पे प्रोटीन्स हैं वो इनको पहचान नहीं पाते, तो पूरा सिग्नलिंग पाथवे सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए ये उसके अंदर अपने आप को प्रोलीफरेट कर पा रही हैं, राइट। चलिए साइकिल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये सेंट फ्लाई है, इसने प्रोमैस्टिगोट, इसके अंदर ये इन्फेक्टेड सेंट फ्लाई है, ओके, जिसके अंदर क्या है, प्रोमैस्टिगोट स्टेज है। ये एक ह्यूमन बींग को काटेगी, ह्यूमन बींग को बाइट करेगी, तो उस जहाँ पे ये बाइट करेगी वहाँ पे प्रोमैस्टिगोट स्टेज चले जाएगी। देखिए इसमें फ्लैजेला है, मीन्स ये मूव कर सकती है, मोटाइल है, ठीक। तो प्रोमैस्टिगोट स्टेज जाएगी और ह्यूमन बींग के अंदर जाते ही वो प्रोमैस्टिगोट स्टेज आपका मैक्रोफेजेस में हो जाएगा और ये अपने आपको किस में चेंज कर लेगा, ए मैस्टिगोट स्टेज में। ए मैस्टिगोट स्टेज में चेंज करेगा अपने, ये इसका प्रोलीफरेटिव फॉर्म है। अब यहाँ पे ये क्या करना है, अपना डिवीजन करना शुरू कर रहा है, तो इसकी ए मैस्टिगोट स्टेज कैसे डायग्नोस्टिक स्टेज है, मीन्स ए मैस्टिगोट स्टेज पे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग जो है वो लेशमानिया की उससे सफ़र कर रहा है। अब जो ए मैस्टिगोट है वो मल्टीप्लाई करेगी और सेल्स को रप्चर करेगी, रिलीज करेगी, इधर उधर जाएगी, ठीक है। तो इसी, तो ये क्या है, आपकी डायग्नोस्टिक स्टेज है। इसी स्टेज पे अगर जो सेंट फ्लाई है उसने कट करा, तो अगर उसने इन्फेक्टेड सेल को अपना ब्लड मील में ले लिया, तो उसके अंदर भी आपकी कौन सी स्टेज चल जाएगी, ए मैस्टिगोट स्टेज चल जाएगी। ए मैस्टिगोट स्टेज का क्या होगा, इंजेशन ऑफ पैरासिटाइज सेल्स, पैरासिटाइज सेल का इंजेशन हो गया, ए मैस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोमैस्टिगोट स्टेज इन द मिडगट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट फ्लाई की कौन से पोर्शन में, कौन से पार्ट में, कौन से ऑर्गन में आपका ए मैस्टिगोट आपका प्रोमैस्टिगोट स्टेज में चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे है, दिस इज द आंसर, मिडगट स्टेज, मिडगट में, सॉरी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे प्रोमैस्टिगोट स्टेज है, ये वापस डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन के थ्रू और प्रोबोसिस को चले जाएगा। प्रोबोसिस उसका मौत वाला पोर्शन होता है, मौत पे एक पोर्शन होता है, ठीक। और फिर उसके बाद वो दोबारा आपको ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करेगी, काटेगी, तो उसके अंदर वो स्टेज चल जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ और आपके लाइफ साइकिल्स के भी डायग्राम्स दिए हैं, दिस, ये सब अच्छे वेल एक्सप्लेन्ड है, आप देख सकते हैं, दिस वन, ओके, एंड दिस वन, मैं PDF शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखिए, लेशमानिया पैरासाइट्स आर लोकेटेड इन द वेक्टर मिड गट एस प्रोसाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट। मिड गट में, वेक्टर के मिड गट में जो लेशमानिया है वो प्रोमैस्टिगोट स्टेज में रहता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ से। वेन दे डिफ्रेंशिएटेड इन टू मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट,
थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मेटासाइक्लोजेनेसिस दे बिकम इन्फेक्टिव। जब प्रोमेस्टिकॉट से वो आपके मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिकॉट स्टेज में जाते हैं। देखिए जो प्रोसाइक्लिक मेटा प्रोमेस्टिकॉट स्टेज है वो इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन जो आपकी सैंडफ्लाई है वो तो ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्टिव स्टेज डालेगी। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिकॉट स्टेज। प्रोसाइक्लिक से मेटासाइक्लिक बनने के लिए वो एक प्रोसेस के थ्रू जाती है जिसे हम मेटासाइक्लोजेनेसिस कहते हैं, और इसके दौरान क्या होती है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव बन जाती है इंसेक्ट्स सॉरी ह्यूमन बींग्स के लिए। ड्यूरिंग दिस स्टेज पैरासाइट ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोमेस्टिकॉट सेक्रेटरी जेल एंड कॉम्प्लेक्स ग्लाइको कॉन्जुगेट्स टू इम्प्रूव द इन्फेक्शन प्रोसेस। देखिए इन्फेक्शन ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के प्रोसेस को और ईजी बनाया जाए, उसको और इम्प्रूव करा जाए, इसलिए क्या कर रहा है पैरासाइट प्रोमेस्टिकॉट सेक्रेटरी जेल को रिलीज कर रहा है और कुछ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को भी वो रिलीज कर रहा है ताकि जो इन्फेक्शन है वो उसे और ईजी बनाया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। ह्यूमन इन्फेक्शन इज इनिशिएटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई। जब नॉर्मल सैंडफ्लाई आपको बाइट करेगी तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्फेक्शन तभी आपके अंदर इनिशिएट होगा जब ऑलरेडी इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई आपको क्या कर रही है, बाइट कर रही है। ड्यूरिंग ब्लड मील द फेलोबॉटमिन फीमेल सैंडफ्लाई, अच्छा ये फीमेल सैंडफ्लाई है नॉट अ मेल, ओके, रिक्रूट्स प्रोमेस्टिकॉट into the skin of the mammal host. Then these promastigots are phagocytosed by macrophages, dendritic cell and neutrophils. ये different phagocytic cells है जिसके थ्रू आपका प्रोमेस्टिकॉट स्टेज क्या की जाती है, इनगल्फ की जाती है। और याद रखिए ये कैसी स्टेज है, दिस इज मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिकॉट स्टेज। सम लेशमानिया पैरासाइट्स आर कैप्ट इनसाइड, अब क्या होती है कुछ जो लेशमानिया पैरासाइट्स हैं वो फेगोलाइसोसम्स के अंदर रहते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक इम्यून इन्वेशन टैक्टिक्स अलाउ डेवलप कर लेते हैं जो कि क्या करते हैं अलाउ डैम टू ट्रांसफॉर्म इंटू ए फ्लैजिलेटेड सेल स्टेज। हमने इससे पहले वाले इसमें पढ़ा था कि क्या करता है प्रोमेस्टिकॉट से ए मेस्टिकॉट में चेंज हो जाता है ताकि वो इम्यून सिस्टम को डॉच कर सके, मैक्रोफेजेस उसको डाइजेस्ट ना कर सके, राइट। तो यही कुछ पैरासाइट्स जो उनमें से कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो ये टैक्टिक अपनाते हैं और ए मेस्टिकॉट स्टेज में वो चेंज हो जाएंगे और इनसाइड मैक्रोफेज के अंदर भी वो मल्टीप्लाई करते हैं और अदर सेल्स को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। आफ्टरवर्ड द वैक्टर बाइट्स एन इन्फेक्टेड मैमल, उसके बाद जो वैक्टर है वो इन्फेक्टेड मैमल को बाइट करती है और उसके अंदर ये ए मेस्टिकॉट स्टेज चल जाती है। कौन सी? मेटासाइक्लिक ए मेस्टिकॉट स्टेज, जो कि उसमें वापस प्रोसाइक्लिक मेटा सॉरी ए मेस्टिकॉट प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिकॉट स्टेज में वो चेंज हो जाएगा। ओके यहाँ पे देखिए द ट्रांसमिशन इज देयर फॉर इधर जूनोटिक और एंथ्रोपोनोटिक। ये या तो जो आपका ट्रांसमिशन है ये जूनोटिक भी हो सकता है और एंथ्रोपोनोटिक भी हो सकता है। अब ये जूनोटिक और एंथ्रोपोनोटिक क्या होता है, देखिए जूनोसिस एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो नॉन ह्यूमन से ह्यूमन में जाएगी, मीन्स ये जो है ये आपकी किससे जा रही है, नॉन ह्यूमन से ह्यूमन से। अब नॉन ह्यूमन के अलावा यहाँ पे जनरली आप सैंडफ्लाई से ह्यूमन में, ओके। और एंथ्रोपोजेनिक डिजीज जो है जो आपकी ह्यूमन बींग से दूसरे एनिमल्स में जाएगी, मीन्स जो एंथ्रो है उसमें ह्यूमन से सैंडफ्लाई में जा रहा है अगर इसके केस में लेके चल रहा है, और जूनोटिक स्टेज में सैंडफ्लाई से ह्यूमन बींग्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ए मेस्टिकॉट स्टेज इज डायग्नोस्टिक फॉर लेशमैनियासिस। लेशमानिया के लिए जो ए मेस्टिकॉट स्टेज है वो डायग्नोस्टिक स्टेज है और इन्फेक्शियस स्टेज है सैंडफ्लाई के लिए, क्योंकि उस स्टेज में सैंडफ्लाई को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग के केस में इन्फेक्शन की भी बात की जाए तो कौन सी स्टेज है, यहाँ पे देखिए इन्फेक्टिव स्टेज है आपकी प्रोमेस्टिकॉट स्टेज, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वहीं से स्टार्ट हो रहा है, सैंडफ्लाई हमारे अंदर मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिकॉट स्टेज डाल रही है। तो ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट में हम स्विच करते हैं, दैट इज लेशमैनियासिस, कि लेशमैनियासिस इज कॉज बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट। लेशमैनिया के 20 स्पीशीज हैं ऐसी डिफरेंट जिनकी वजह से लेशमैनियासिस होता है। ओवर 90 सैंडफ्लाई स्पीसीज आर नोन टू ट्रांसमिट लेशमैनिया पैरासाइट, और लेशमैनिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए अभी तक 90 स्पीसीज देखी गई हैं सैंडफ्लाई की। तो हमने मेन तीन टाइप के इसमें फॉर्म्स डिजीजेस लिए हैं आपके, विस्ट्रल लेशमैनियासिस, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस, म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। जो विस्ट्रल लेशमैनियासिस इस एक काला आजार के नाम से भी जाना जाता है और ये फैटल होता है अगर 90 मतलब ये देखा गया कि 95% केसेस में जब इसे
अनट्रीटेड इसको ऐसे ही रखा गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये फैटल है। फैटल मतलब जिससे जान जान तक जा सकती है। इट इज़ कॉज बाई लेशमेनिया डोनोवेनी एंड लेशमेनिया इनफेक्टम। ये दो स्पीशीज है जिसकी वजह से विसरल लेशमेनियासिस होता है। इसमें होता क्या है, फीवर्स आते हैं इरेगुलरली, वेट लॉस हो जाता है, स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर लीवर का भी इनलार्जमेंट हो जाता है और अनीमिया हो जाएगा। इसके मोस्ट केसेस देखे गए हैं ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया में। अब एक क्यूटेनियस लेशमेनियासिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लेशमेनियासिस एंड कॉल्ड स्किन में लेसेंस वो पड़ जाते हैं। ऐसे लेसेंस मीन्स यहाँ पे रुकी अलग से दिखेगी आपको स्किन, ठीक। अल्सर्स होने लग जाते हैं ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, लीविंग द लॉन्ग स्कार्स स्कार्स रह जाते हैं और डिसेबिलिटी और स्टिग्मा में कमी आ जाती है। अब स्टिग्मा डिसेबिलिटी ये चीज़ें हो जाती हैं। 95% ऑफ क्यूटेनियस लेशमेनियासिस केसेस अमेरिका, मेडिटेरियन बेसिन, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया यहाँ पे पाए जाते देखे गए हैं। म्यूकोक्यूटेनियस लेशमेनियासिस में क्या होगा, ये क्या करता है आपका पार्शियल और टोटल डिस्ट्रक्शन कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, तो नोज की, माउथ की, थ्रोट की, इनके इनकी जो इंटरनल लेयर है दैट इज म्यूकोसा, उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। और ये जो कि 90% इसके केसेज हैं वो बोलीविया, ब्राज़ील, इथोपिया, पेरू में देखे गए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। द ट्रीटमेंट ऑफ लेशमेनियासिस डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ डिजीज। आपको किस टाइप का डिजीज हुआ है, कॉन्कॉमिटेंट पैथोलॉजीज, पैरासाइट स्पीशीज एंड जियोग्राफिक लोकेशंस। आप ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपको पैरासाइट ने काटा है, कौन सी पैरासाइट स्पीशीज के काटने की वजह से आपको हुआ है और कौन सी मतलब कौन सी वेक्टर ने आपको काटा है, कौन सी पैरासाइटिक स्टेज आपके अंदर एंटर हुई है और कौन सी जियोग्राफिक लोकेशन में आप हैं। लेशमेनियासिस इज ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज विच रिक्वायर एज इम्यूनोकॉम्पिटेंट सिस्टम बिकॉज मेडिशल विल नॉट गेट रिड ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी। लेशमेनियासिस ट्रीटमेंट है और क्यूरेबल है, बट आपको आपकी बॉडी को इम्यूनो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए तभी, वरना क्योंकि जो जो दवाइयाँ हैं वो आपके पैरासाइट को किल नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए इस दस द रिस्क ऑफ रिलैप्स इफ इम्यूनो सप्रेशन, अगर अगर इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा मतलब इम्यूनो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाती है, रिस्क हो जाते हैं, ठीक है। ऑल पेशेंट डायग्नोस्ड एज विजरल लेशमेनियासिस रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट एंड कम्प्लीट, और जिसको विजरल लेशमेनियासिस जैसे हम कालाजार कहते हैं उन्हें कम्प्लीट ट्रीटमेंट चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। देखिए कोई वैक्सीन कोई ड्रग्स इसमें इफेक्टेड नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ बिंग बिटन फॉलो ये कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स है। आपको आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करनी होंगी, स्पेशली फ्रॉम डस्क टू डॉन। आपको डस्क सुबह के टाइम और रात शाम के टाइम पे, व्हेन द सन जनरली इस टाइम पे मोस्ट एक्टिव रहते हैं। जैसे हमने ट्रिपैनोसोमा के केस में भी देखा था कि जो सीसी फ्लाई है वो दिन के टाइम में जब हॉट होता है वो ज़्यादा क्या रहती है, लेस एक्टिव रहती है। तो सेम विद दीज, ओके। जब आप आउटडोर में हैं तो आपको क्या करना है, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एक्सपोज अनकवर्ड स्किन को मिनिमाइज करना है। आप कपड़े पहन सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्ग स्लीव्स के, और फुल पैंट्स पहन सकते हैं, शॉक्स पहन सकते हैं, ठीक। अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट और टू द एक्सपोज, और जो आपके एक्सपोज स्किन है उसमें इंसेक्ट रेपेलेंट्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जब आप इंडोर में स्टे इन वेल स्क्रीनड और एयर कंडीशनड एरिया, आपको वेल स्क्रीनड और एयर कंडीशन एरिया में रखना है। बस याद ये रखना है कि जो जो सेंट फ्लाई है आपके वो मॉस्किटो से भी छोटी है, तो वो बहुत इजीली अंदर क्या कर सकती है, स्मॉलर होल्स के थ्रू भी एंटर कर सकती है अपने लिविंग एरियाज को। आप इंसेक्टिसाइड और इनसे आप वो कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खुले में सो रहे हैं तो आप नेट का, बेड नेट का यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स यू कैन टेक टू अवॉइड लेशमेनियासिस और टेक टू प्रिवेंट दैट सेंट फ्लाई, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड जो नोट्स हैं मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से उन्हें ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप आगे की जो आपको जितने भी नोटिफिकेशन आए न्यूली रिलेटेड वीडियोस के आपको मिल सकें। थैंक यू।